दोस्तों दिलीप ट्रॉफी 2023 में मैदान पाया पृथ्वी शाह का तूफान, तो क्या पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो पे, तो वीडियो पर इन तक जरूर देखिएगा। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दौरे पे है, जहां पर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो टेस्ट मैच, 3 वनडे और 5 T20 मैच की सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जिसमें पृथ्वी शाह को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन BCCI को पृथ्वी शाह ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया है। दिलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन की ओर से खेलते हुए पृथ्वी शाह ने 425 रन बनाए थे, जिनमें 40 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों पृथ्वी शाह को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए थी। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसे ऐसी खबर पाएंगे। क्रिकेट ने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।